आईडीबीआई बैंक सरकारी बैंक थी, और आपको पता है कि पिछले साल एलआईसी ने 51% शेयर्स उसके लिए और गवर्नमेंट आज भी 49% शेयर्स उसमें रखती है। इसकी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए देने की आज योजना बनाई है, 9,000 से भी ज्यादा। तो एलआईसी 4,700 करोड़ देगी लगभग, वो 4,743 करोड़, एंड 4,557 करोड़ सरकार देगी। ये एक साल से दो साल से जो ये मर्जर हुआ है, तो एलआईसी और आईडीबीआई इकट्ठा आने से दोनों का फायदा हुआ है। जो क्रेडिट रेशो होता है वो 6.22 से लेकर 6.22 से लेकर 11.58 इतना बढ़ गया। नेट एनपीए रेशो रिड्यूस्ड फ्रॉम 17.3% टू 10.11%। फिर जो प्रोविजन कवरेज रेशो होता है वो भी 69% से 83% बढ़ गया। और सिनर्जी विथ एलआईसी में क्या हुआ फायदा कि 11 लाख एलआईसी के एजेंट, 3,184 ऑफिस और 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स, इनका एक एक्सेस आईडीबीआई बैंक को मिला और दोनों की सुविधा हुई। अभी एलआईसी सिनर्जी के कारण पहले वर्ष में 500 करोड़ अगले साल रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा, ये कल्पना है, और फिर 1,000 करोड़ बढ़ेगा।